हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जी हाँ, आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस। मैं कुछ दिनों से मामाअर्थ का जो उपटन रेंज है उसका फेस वॉश यूज़ कर रही थी। उसने मेरी स्किन पर कैसे काम किया, कुछ काम किया या नहीं किया, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। तो आप भी इसके बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हमेशा की तरह सबसे पहले इसकी पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये तो इसका सैम्पल प्रोडक्ट है, पर जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो 100 ml के पैक में आता है। 249 इसका प्राइस है। ईज़िली आपको ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगा, डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं इस पे। और ये जो प्रोडक्ट, ये जो फेस वॉश है, ये उपटन फेस वॉश है जो कि टर्मरिक सेफ्रॉन से मिलके बना हुआ है। अब कोई भी उपटन टर्मरिक और सेफ्रॉन के बिना तो इनकम्प्लीट है। तो उसमें ये इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं, बाकी और भी सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं। ये हर्बल प्रोडक्ट नहीं है, इसमें केमिकल्स भी यूज़ किए गए हैं, पर जो भी केमिकल्स यूज़ किए गए हैं वो स्किन के लिए सेफ़ हैं। ये टैन रिमूवल फेस वॉश है और आपकी टैन को रिमूव करेगा, पिगमेंटेशन को दूर करेगा और स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, स्किन को ब्राइट करेगा। ये सारे क्लेम ये जो फेस वॉश है ये करता है। और ये पैराबेन सल्फेट फ्री है, SLS फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो ये सारे केमिकल्स इसमें यूज़ किए गए हैं जो कि बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं। एक्सेस ऑयल को दूर करते हैं, स्किन को अच्छे से क्लीन करते हैं, वाटर लॉस की प्रॉब्लम को दूर करते हैं, स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं। बाकी सारे इसमें नेचुरल चीज़ें यूज़ की गई हैं जैसे कि कैरेट सीड, कोकोनट ऑयल, लिकोरिस पाउडर, ऑरेंज ऑयल और जो पचौली ऑयल, इसमें नियासिनामाइड भी यूज़ किया गया है, इसमें वॉलनट बीट्स भी यूज़ किए गए हैं। तो इस फेस वॉश को मैं अभी कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये बहुत कम क्वांटिटी में लगता है। मतलब आप देख सकते हो उसको, मैं 7 days से तो रेगुलर यूज़ कर रही हूँ, पर इसकी क्वांटिटी आप पता नहीं लगा सकते हो कि इसको मैं 7 दिनों से यूज़ कर रही हूँ। इसकी बहुत कम क्वांटिटी लगती है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। ऐसा लगेगा जैसे आपने उपटन लगाया हो, बिल्कुल उपटन वाली ही हल्दी चंदन वाली इसकी फ्रेग्रेंस है। इसमें छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स हैं जो कि आपकी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करेंगे, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को भी रिमूव करेंगे और सारे स्किन टाइप को सूट करता है। मेरी ऑयली स्किन है, मुझे मेरी स्किन पे काफ़ी अच्छे से काम करता है। और अगर आपको एक्टिव एक्ने हैं तब आप इसको यूज़ नहीं कीजिए, और आपको कोई एलर्जी वगैरह है तब आप इसको यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं वो आपके उसके कारण आपकी स्किन पे डैमेज हो सकता है। अगर आपको एक्ने हैं तो वो बढ़ सकते हैं। तो अगर आपके स्किन पे एक्टिव एक्ने हैं, कोई एलर्जीज़ हैं, तब आप बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं करो। अगर आपके स्किन पे टैनिंग हुई है और पिगमेंटेशन है और डल स्किन है, आपको लग रहा है कि कोई भी ग्लो नहीं है, तब आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ये काम करेगा। इसको लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील होता है, स्किन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी, बिल्कुल भी ये स्किन को ड्राई नहीं बनाएगा, बहुत अच्छे से वॉश तो करता ही है साथ साथ एक्सफोलिएट करता है। जैसे कि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, पर इसको लगाने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मुझे पिंपल हो गए हो या कुछ प्रॉब्लम हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे 10-15 दिन तक, तब आपको अपनी टैनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा, तब पता चलेगा कि ये टैनिंग पे कितना अच्छा काम करता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, अच्छे से स्किन पे काम करता है, यही एक रीज़न है कि इसके इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ हैं और इतनी अच्छी रेटिंग्स हैं हर जगह। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से स्किन पे काम करता है। और ये जो फेस वॉश है, आप इससे ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपके दाग धब्बों को दूर करेगा। दाग धब्बों पर ऐसा कोई खास काम नहीं करता है, ना ही ये प्रोडक्ट क्लेम करता है। बस आपको टैनिंग हो गई है तो ये आपकी टैनिंग को दूर करने में हेल्प करेगा, पर दाग धब्बे ये सारे चीज़ें दूर नहीं करता है। हाँ, हो सकता है जब आप इसको रेगुलर यूज़ करें या बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करें तो ये आपके जो भी स्पॉट्स हैं उनको भी लाइट करे, पर एक्चुअल में ये वो काम नहीं करता है। बस ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करेगा, आपको फ्रेश फील कराएगा, आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। जब रेगुलर यूज़ करेंगे तो एक शेड तक,
एक दो शेड आपकी स्किन लाइट भी हो सकती है। ये सारे काम ये फेस वॉश करता है, काफ़ी अच्छे से करता है। बिल्कुल आप इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हो और ईजिली आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना है, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।